जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल सुनीता जी के किचन में। तो आज हमारे किचन में बहुत ही सिंपल रेसिपी पत्ता गोभी की सब्जी बनने वाली है। पत्ता गोभी एक ऐसी सब्जी है जो जल्दी सबको पसंद नहीं आती है। या तो हम उसके मोमोज बना लेते हैं या तो हम उसे मंचूरियन में यूज़ कर लेते हैं, पर आप एक बार पत्ता गोभी की सब्जी इस तरीके से बना के देखिए, आपको डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी की शुरुआत करते हैं। पत्ता गोभी की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें ले ली हैं जिन्हें हम अच्छे से वॉश करके कट करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ मसाले भी ले लिए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। एक छोटी चम्मच हम यहाँ पर धनिया पाउडर ले लेंगे। एक छोटी चम्मच यहाँ पर हम जीरा पाउडर ले लेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर हमने 8 से 9 लहसुन की कली ले ली है। 1 से 1.5 इंच हम अदरक का टुकड़ा ले लेंगे। 4 हरी मिर्च ले लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप तीखा खाते हो आप मिर्ची को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पर 2 टमाटर और 250 ग्राम पत्ता गोभी ले लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से वॉश करके कट करेंगे। यहाँ पर हम इन सब चीज़ों को अच्छे से वॉश कर रहे हैं। सबसे पहले हम पत्ता गोभी को ऐसे रफली चॉप कर ले रहे हैं। पत्ता गोभी की सब्जी बनाने के लिए हमें एक पेस्ट तैयार करना है, जिसके लिए हमने यहाँ पर 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, लहसुन की कली ले ली है। यहाँ पर हम 4 हरी मिर्च डाल देंगे। इन सब चीज़ को हम अच्छे से पीस के कुछ ऐसा टेक्सचर हो जाना चाहिए। इसको अब हम पत्ता गोभी की सब्जी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। गैस को चालू करके हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम यहाँ पर टमाटर को भी ऐसे रफली चॉप कर लेते हैं। कढ़ाई के गर्म होते हैं हम इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है। हम तड़के के लिए यहाँ पर तेज पत्ता और साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। इसके बाद हम कटी हुई पत्ता गोभी इसमें डाल देंगे। इन सब चीजों को अब हम अच्छे से मिला लेंगे। पत्ता गोभी के थोड़े से सॉफ्ट हो जाने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे भी अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। यहाँ पर हम इसमें 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच हम यहाँ पर धनिया पाउडर डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच हमने यहाँ पर जीरा पाउडर डाल दिया है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हमने जो वो पेस्ट तैयार किया था हम उसे भी इसमें डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तब तक हम यहाँ पर धनिया को गार्निशिंग के लिए कट कर लेते हैं। तो बस कुछ ही टाइम में हमारी एकदम टेस्टी से पत्ता गोभी की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसमें जो गार्निशिंग के लिए जो धनिया हमने कट किया था हम वो डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में, ताकि हम कुछ ऐसी नई नई रेसिपी आपके लिए लाते रहें। तब तक लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री श्याम, राधे राधे।